नमस्कार, आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि के 9 दिनों में से छठे दिन होने वाली माँ कात्यायनी की पूजा के बारे में। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। उनके छठे रूप में माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम आपको बताते हैं छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा के अवसर पर कौन सी कथा पढ़ी जाती है। माँ कात्यायनी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से माँ भगवती बहुत ही प्रसन्न हुई, उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माँ के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर माँ भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार प्रतिदिन तीनों लोकों पर बढ़ता ही जा रहा था। इससे सभी देवी देवता परेशान हो गए। तब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया गया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण ही उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नौमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। अब हम आपको बताते हैं माँ कात्यायनी की पूजा की विधि। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि निवृत्त होने के बाद नीले रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन माँ का श्रृंगार लाल रंग से करें। इसके बाद विधि विधान पूर्वक माँ कात्यायनी की पूजा करें और उन्हें पीले फूल और शहद अर्पित करें। विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद उनकी आरती करें और आसपास के सभी लोगों को प्रसाद वितरित करें।